अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खुश आबाद रखे। आज छुट्टी का दिन है और अभी जो है सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं और बाहर जो है हल्की हल्की रोशनी भी होना शुरू हो गई है। तो मैं जो है आज बाहर नाश्ता करने जाऊंगा, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि जर्मन नाश्ता कैसा होता है, उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं। सारे आइटम्स तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ की जर्मन जो बेकरी है वो ऑफकोर्स फेमस भी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो मुझे जरा ठीक लगते हैं खाने में, क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं है तो चलो ज्यादातर चीज़ें हमें जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक नहीं लगती तो अच्छी नहीं लगती। तो चलो जो चीज़ें मैं नॉर्मली पहले भी खा चुका हूँ वही आपको लोगों को दिखाऊंगा और हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो। तो चलिए चलते हैं और आज आपको जर्मन नाश्ता दिखाते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर आज फिर जो है बारिश हो रही है और मेरे ख्याल से जो मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा है उसमें तो ये पूरा वीकेंड जो है बारिश होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा जो है धूल मिट्टी वगैरह नहीं होती तो गाड़ी को जो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए गाड़ी धोने की काफ़ी अर्से बाद तो फिर ये होता है कि बारिशें यहाँ पर इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर गाड़ी आप धोएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आप गाड़ी जो है धोनी हो, तो मैंने जो अपनी गाड़ी तकरीबन 5 महीने बाद धोई है क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है कि मौसम ही इजाज़त नहीं देता और कभी रूटीन इजाज़त नहीं देती। तो जैसा कि अभी भी आप सुन सकते हैं कि ये बारिश हो रही है बाहर। जर्मनी की सबसे मज़ेदार बात कि यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। अभी ये रोड जो भी आपको बंद नज़र आ रही है ये मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से बंद है और यहाँ पर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन काफी अरसे से बंद है। थोड़ी देर आप लोग बारिश की आवाज भी सुने। अच्छी आवाज है। तो रेस्टोरेंट पे तो मैं पहुंच गया हूँ और अभी जो है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या लूंगा। पहले आपको रेस्टोरेंट में दिखा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो है इसको कहते हैं केसेब्रोचन और मतलब इसमें ये चीज़ वगैरह बीच में कुछ खीरा और कुछ और वेजिटेबल्स हैं। इसके बाद ये तो कैपेचिनो आ गई और ये मेरा फेवरेट केक है यहाँ का, तो ये मैंने स्वीट्स के लिए ले लिया। और ये मतलब मेन कोर्स आप इसको कह सकते हैं कि ये और ये दोनों। ये क्रोसॉन्ट आ गया, बटर क्रोसॉन्ट। इसके अंदर कोई फिलिंग वगैरह नहीं होती, ये खाली बस इसके अंदर बटर इसके मिक्स इसमें बनाने में बटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये यहाँ का एक बहुत फेमस केक है, इसका नाम तो मैं भूल गया हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब इसका कुछ ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और ऊपर से इसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगे होते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये हो गया टोटल ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया और अब जो है जो थोड़ा केक बचा था मैंने पैक भी करा लिया। अब जो है चलते हैं बाकी वीकेंड पे काम करने, जो कि ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करनी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मेरी मुलाकात होगी चले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।